उस टाइम के, लाइक जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे कोई सबसे ज्यादा कॉमन है कट क्या हुआ करता था? एक ही होता था, साधना कट. साधना कट या यू ब्लंट होता था. आई थिंक दो ही कट चलते थे, बिकॉज इवन नाउ हमारी कंट्री में दो तीन ही कट चलते हैं. या तो चलेंगे लंबे स्टेप कट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिम्पल कट, माधुरी कट, राइट. या आजकल थोड़े इसमें कलर आने शुरू हो गए. बट हमारा जो इंडिया है, हमारा ये जो एशिया है ना, यहाँ की जो स्टाइलिंग है बहुत लिमिटेड है. देखो हर इंसान को लंबे बाल चाहिए, जैसे आपके बाल हैं इतने लंबे हैं, मतलब क्या करोगे इसके अंदर? मतलब आप सैलून में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये दिखाओ, ये ये करो, ये करो, बाद में क्या बोलेंगे? छोटे मत काटना. जब तुमने ये बात बोल दी छोटे नहीं काटना, तो हम लोग करने क्या, करेंगे क्या हम लोग? इंस्टाग्राम पे सबसे कॉमन मीम ही वही है दैट यू नो मैं गई थी ट्रिमिंग कराने एंड हेयर ड्रेसर ने पूरे बाल कट कर दिए, एंड देन गर्ल्स कीप ऑन कराइंग कि बाल बहुत ज्यादा कट हो गए. कितने किए होंगे? दो, एक की जगह दो, दो इंच कर दिए होंगे, राइट. लेकिन जब तक बाल कटेगा नहीं, बाल ग्रो नहीं होगा. आई थिंक ये हमें समझना चाहिए कि ये कैंची जो है ना, ये सबसे अच्छी हेल्थ है बालों की, तो ये कैंची लगवानी बहुत जरूरी है बालों के अंदर. ओके, सो इसका मतलब वो मिथ एक्चुअली सही है दैट द मोर यू गेट योर हेयर कट या जितनी आप ट्रिमिंग करेंगे आपके बाल बेटर ग्रो. नहीं, इसका आंसर बहुत सिंपल है. जब आप बाल कटाते नहीं, आपके बालों में स्प्लिट एंड हो जाते हैं, राइट. और जब बाल स्प्लिट एंड होते हैं तो बाल उल्टे ग्रो करते हैं, तो अच्छा, मुझे इसको निकालना जरूरी है, तभी मेरे बाल ऊपर ग्रो करेंगे ना. आई थिंक ये एजुकेशन कोई नहीं दे रहा. लोग क्या बोलते हैं, बस शैम्पू लो मेरा अच्छा और बाल ग्रो करेंगे. मेरा प्रोडक्ट ले लो और इससे बाल बेस्ट हो जाएंगे. शैम्पू सिर्फ बालों को साफ करता है, right. और जब बाल साफ होंगे तो बाल खुद ही ग्रो करेंगे, तो इसमें शैम्पू का क्या रोल है एक्चुअली, राइट. एक वर्ड है स्वच्छ भारत, स्वच्छ हेयर. स्वच्छ हेयर, वी आर प्रमोटिंग ओनली वन थिंग, स्वच्छ हेयर. ये सफाई जरूरी है. देखिए, चीज के लिए दांत साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, तो बाल क्यों नहीं धोगे? ये भी तो बॉडी का एक पार्ट ही तो है ना, राइट. मतलब कि पता नहीं किसने शुरू कर दिया बाल हफ्ते में दो बार ही वॉश करो. मतलब इतनी गंदगी है, मतलब इतनी इचिंग होती है, जितनी इचिंग होगी इतना बाल टूटने वाला है. अच्छा, तो अगर कोई आदमी बालों को ऐसे खुजा रहा है, इसका मतलब इसके बाल टूटने वाले हैं. सो इस चीज की शुरुआत, अब क्योंकि आपने ये बोला ही है तो आई वॉज गोइंग टू टेक दिस लेटर, बट सबसे पहले बात करते हैं बस्टिंग हेयर केयर मिथ्स. वो उसमें से दो तो आपने ऑलरेडी आंसर कर ही दिए. शैम्पू मत करो, शैम्पू मत करो, शैम्पू में केमिकल होता है. ओके, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टूथपेस्ट में केमिकल नहीं है क्या? किसी का कभी दांत तो टूटा नहीं, राइट. नहीं नहीं सर, टूथपेस्ट में नमक है. क्या नमक आपके शैम्पू में नमक है? इतना सा होगा, लेकिन इतना सारा तो उसमें केमिकल ही होता है, राइट. एब्सोल्युटली. बट देन सर, किस चीज से बाल धोना बेटर रहेगा इफ नॉट शैम्पू? देखिए शैम्पू ही है. शैम्पू का करने का तरीका सीखना पड़ेगा. अच्छा, ओके. हो सकता है कि एक शैम्पू शायद दिल्ली में काम करे, बॉम्बे में काम ना करे, राइट. इसका मतलब वहाँ का पानी शायद ठीक नहीं है. तो मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारे भारत का एक कल्चर रहा है हमाम कल्चर, तो आप क्या करो कि पहले बालों को गीला करो, फिर उस पर कुछ तेल लगाओ, और तेल चंपी नहीं करनी. हम लोग क्या करते हैं, चंपी करते हैं, राइट. तो चंपी नहीं करनी हमें, बालों को तेल लगाना है, कोम कर लो, और पांच फिर छोड़ के फिर शैम्पू कर लो. और शैम्पू कौन सा करो जो आपको पसंद है. अगर शैम्पू से डर लगता तो सोप कर लो, बिकॉज 50 साल पहले तो कभी कोई शैम्पू था ही नहीं. मतलब मेरे दादा के बाल भी बहुत सारे थे, आपकी दादी के बाल भी बहुत सारे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी शैम्पू यूज नहीं किया. तो मैं कहता हूँ शैम्पू यूज करो, अगर आपको अपने बालों से प्यार है, मेरे तरीके से करो. तो हमेशा शैम्पू यूज करना तेल के ऊपर, तेल के ऊपर. ओके, मतलब ड्राई हेयर, नॉर्मली हेयर पर शैम्पू नहीं करना चाहिए प्रेफरेंस. देखिए ड्राई हेयर अगर हम शैम्पू करेंगे, हमारे बाल ज्यादा ड्राई होंगे. जितने ड्राई होंगे हम लोग कंडीशनर यूज करेंगे, जितना कंडीशनर यूज करेंगे इतना बाल टूटेगा. और हम लोग ब्लेम क्या करते हैं, शैम्पू से मेरे बाल टूट गए. जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है कि शैम्पू करने का तरीका क्या है, तो आप ब्लेम शैम्पू को कर रहे हो ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके, द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंट ट्रिम्स इन द हेयर कैन मेक योर हेयर हेल्दी. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. जैसे होता ना, देखिए बाल हैं क्या, ये घासी तो है, वो हरी होती है, ये काले है, तो उसकी जितनी छटाई करोगे इतनी घास ग्रो करती है. तो बालों की जितनी छटाई करेंगे बाल इतने ग्रो करेंगे. बहुत ही सिंपल बात है. तो घास और बालों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है. उसकी छटाई जरूरी है, और छटाई मेरी कैंची के साथ. ये बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि मेरी जो ट्रिमिंग होती है ना, वो आधा इंच नहीं होती, वो कम से कम 6 इंच होती है. ट्रिमिंग? हाँ जी, ट्रिमिंग. अरे बाप रे. और जो हेयर कट होता है वो 12 इंच का होता है. ओके, मोर प्रोडक्ट्स लीड टू मोर डैमेज. नहीं, आई थिंक ये इसके साथ मैं एग्री नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता कि शायद हमें उसको यूज करने का तरीका नहीं आता. ओके, आई थिंक उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज ज्यादा होते हैं. हर चीज अच्छी है, बट लेट्स लर्न द प्रोसेस हाउ टू यूज दैम.
अतः वो प्रोसेस अगर आ जाएगा ना, मुझे लगता है कि बाल टूटना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगे तो बाल खराब होते, नहीं बाल ठीक रहते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस तो सीखो ना। राइट, अब आप प्रोसेस टीवी का एड देख के तो सीख नहीं सकते। यू नीड टू गो टू अ सैलून, यू नीड टू टॉक टू हेयरड्रेसर, ही विल टीच यू बिकॉज़ ही इज लाइक अ डॉक्टर फॉर यू। तो डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो भैया ये शैम्पू कैसे करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कंडीशनर करना चाहिए, स्पा करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो आपको बताएगा ना? बताएगा। आप घर में किसी ने बोल दिया, आपकी किसी सहेली ने बोल दिया ऐसे करो, आपने करना शुरू कर दिया पैसे बचाने के लिए। राइट। तो आई थिंक मेन चीज क्या है, प्लीज ट्रस्ट योर हेयर एक्सपर्ट। ओके।